देखिए हम उम्मीदवार के रूप में फिर से जनता के बीच में हैं। उम्मीदवार के रूप में कई लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। अब जनता को किससे उम्मीद है? और रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने गुरुवार कांग्रेस पार्टी से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से अपनी नामांकन पर्चा रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में दाखिल कर दिया है। विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ जिले के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला के अन्य पदाधिकारियों के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मौके पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, झामुमो केंद्रीय सचिव संजीव बैदिया भी मौजूद थे। नामांकन से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बड़ी काफिला, सैकड़ों वाहन और अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े के साथ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने पहुंची, जिससे कार्यकर्ता में हर्ष का माहौल बन उठा। देखिए हम उम्मीदवार के रूप में फिर से जनता के बीच में हैं। उम्मीदवार के रूप में कई लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। अब जनता को किससे उम्मीद है और जनता किस पे भरोसा कर रही है, ये हमारे जनता जनार्दन के ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रात दिन का तप तपस्या, हमारे पूरे परिवार का तप तपस्या, कुर्बानी, बलिदान जो हमारे परिवार ने दिया है, उसको हमारी क्षेत्र की जनता, जो हमारे देवतुल्य जनता है, और अब हमारे बड़कागांव विधानसभा पूरा एक बड़ा परिवार है। हम पहले एक घर की बेटी थे, अभी सब घर की बेटी हैं, और उसी रूप में हमको जनता देखती है। इसलिए मुझे इस चुनाव में बहुत सारा, मतलब हाथ जैसे होता है ना, हाथ मजबूत पूरी तरह से बड़कागांव विधानसभा में है, और हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता जनार्दन के हाथ में है। देखिए जीत और हार जनता के हाथ में मेरा रिपोर्ट कार्ड है। स्टूडेंट से ही पूछेंगे कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, तो हम तो एग्जाम दे दिए हैं। मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में है, हम खुद को क्यों सर्टिफिकेट देंगे? जनता डिसाइड करेगी। देखिए ये सारा चीज हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव है। ठीक